एक बुढ़िया के छोरे के बहू के छोरी होगी। उसने बड़ी खुशी मनाई गांव में, बोला बेबे एक आधी लुगाई ने कहा अभी आए इतनी क्यों उछल दी फिरे छोरी है तो, बोला फिर क्यों हो गया छोरी है तो बेबे खुशी हुई से। इब भगवान के से करने हुए दो तीन साल पाछे दादी एक और छोरी होगी, इब का फिर उसने नहीं हुए खुशी मनाई। इब गांव की लुगाई ऊ तो से बोली आए देखिए बता खाम खाई के कसूता पटाकड़ा घेर दिया राम ने, दूसरी छोरी हो गिर तू नाच दी फिर खाम खाई। उसने कुछ नहीं कहा भगवान के से करने हुए दो तीन साल पाछे बहू का तीसरी फेर छोरी होगी। इब का छोरी होते वो पड़ोसन ने बोली ईब भी मनाओगी खुशी ने, बोली क्यों नहीं मनाऊंगी बेबे के बात से जड़ान दिया छोड़ो मी भी आओगा के जुलम हो गया बे छोरी भी तो दुनिया में किमें किमें अपना भाग लिखा के लिया क्या आगे का खाव से न बोली हे राम ने पटाकड़ा घेर दिया हूँ राजी हो रही है छो उठ गया बुढ़िया को न बोली उरा ना ये बैठी है मेरे श्यामी संतरो न बोली के कैसे पटाकड़ा घेर दिया तेना लगता होगा पटाकड़ा मैं भी तो किसी की बेटी हूँ तू भी तो किसी की बेटी होगी ईसा के जुलम हो गया है और मन ना या बेटी ना दिखती जो मेरा घर आई से बोले और किस है बोला या बेटी को ना ये या तो माशीरा वाली से देखे नवरात्रा में लोग टोंदे फिरेंगे और ऐसे ऐसे मूर्ख पाखंडी लोग हैं इस धरती के ऊपर अपना वाली बेटी ने तो मन माने कोख में मरवा रहा हो और पड़ोसिया की छोरी के पैर धोंदा फिरेगा मैया दिए आशीरवाद की बात के सोचा है 10 रुपया का नारियल चढ़ा दिया मैया तेरी ये मानेगी। अरे ये किसी चढ़ावे की भूखी नहीं है, ये किसी पूजा पाठ की भूखी नहीं है, ये मैया भूखी है भाव की। लोग जो आदमी कन्या की कदर नहीं जानता उसको मैया शेरा वाली देखती तक नहीं है। घरान की तो बात बहुत दूर है, मेरे कड़वे बोल हो सकते हैं लेकिन 100% सच बोलूंगा। मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, झूठ बोलना मेरा फर्ज नहीं, मैं यहाँ जगराता करने नहीं जागृति करने आया हूँ। बुढ़िया माता की आंख लाल हो गई न बोल रही है बोली मेरी बात सुन दे अंत तक दे तेरा बहम हो या छोरी को न्या या तो मैया से क्या कहने लगे जरा सुनियो बहुत अच्छा भजन है। नु बोली बन के कन्या लाडली भरे मैया ये हौसले भजन सुनने के जो जीवन बदलते हैं ध्यान तो सुनियो जी करे तो नाचियो नहीं ताड़ी बजाइयो और आपस में बात ना करियो गारंटी देता हूं इतना मजा होगा कभी नहीं आया होगा। क्या करने लगी बुढ़िया माता ए पण के कन्या लाड लिए भरे मैया आई पण के कन्या लाड लिए भरे मैया आई पण के कन्या लाड गाबरू हो जाएगी ना जवान हो जाएगी इसका ब्याह में इतने रुपये लगेंगे कि शैनी बनती हो पढ़ाई लिखाई का खर्चा न्यारा नवली इसका भी जवाब सुन दे। अरे एक आदमी अपने भाग का खावे से कोई किसी का भाग का नहीं खांदा। लोग मैं अपना उदाहरण दूंगा न्यू मत सोचियो तमने मैं बुलाया हूं अड़े ना 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 यो बहम है तारे आज का मेरा दाना पानी अड़ेगा लिख रखा था
कि इस तारीख ने संधि पर कर रोटी खानी है। मेरे भाइयों बहनों, आप किसी के बुलाने से नहीं आए, आपका दाना पानी धन बोला कौन किसका है, दाना पानी ठाके लावे। अरे एक इंसान अपने बाप का खावे से न बोलिए, या बेटी जब कोख में आवे से ना, परमपिता परमात्मा पहले भाग लिखता है, या भी अपने भाग का गेल लिया रही है। लोगो मेरा सात बाण से मा जाई, जे न्यूगणी बाण होने तकनी बेटी होने टोटा आता हो तो मेरे तो शरीर पर वस्त्र भी नहीं होने थे आज, और मैं ठाठ ले रहा हूं। कोई किसी का आगे का नहीं खांदा, सब अपना भाग का खावन। बोलिए मन तो बड़ी मुश्किल पाई है, बेसी माड़ी माड़ी बात ना करो। बुढ़िया माता नंबर दो पर क्या कहने लगी, जब बेटी दुनिया में आवे, शुक्र मनाऊं महामाई का,